हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सोनी किचन में। मेरा नाम है रमेश सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिरयानी राइस में कैसे दम लगा के उसको पकाया जाता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ बिरयानी राइस को किस तरह से दम लगा के पकाया जाता है। तो यहाँ पे हमने भट्टी में ही पतीला चढ़ाया है, गैस हम यहाँ पे चालू कर लेते हैं। तो पतीले में अब हम ये थोड़ा देसी घी डाल देंगे। ये देखिए, देसी घी हमने पतीले में डाल दिया है। तो जब तक घी गर्म होता है तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसालों के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ग्रीन इलायची, तेज पत्ता, स्टार फूड, दालचीनी और बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है ये ली है, और इनको हम यहाँ पे घी में डाल देंगे। ये देखिए, और इनको थोड़ी देर हम चटकाएंगे। तो अच्छे से ये सारी चीजें चटकनी चाहिए। और ये साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमने 3 किलो राइस यहाँ पे भिगा के रखा है और यहाँ पे ये पानी भर के लिया है हमने राइस में डालने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लगभग चटक रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमने जीरा डाला और तुरंत हमने ये पानी डाल दिया। तो 2 से 2.5 लीटर के करीबन ये पानी है। और अब यहाँ पे पानी में डालना है नमक। ये देखिए, नमक डालेंगे। तो नमक भाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पे हमने 3 किलो चावल लिया है तो हिसाब से हम नमक डाल रहे हैं। तो अब इसको हम अच्छा उबाल आने देंगे। इसमें थोड़ा सा हम ये हरे धनिया की पत्ती डाल देते हैं और थोड़ा सी बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां। तो चलिए इसको अच्छा सा उबाल आने देते हैं पानी में, और उसके बाद हम ये राइस है जो भीगा हुआ, इसको हमने 3 घंटा लगभग भिगाया है। तो काफी खिला खिला हुआ लग रहा है, आप देख सकते हो। ये इसको भिगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भिगा के नहीं बनाओगे चावल को तो चावल आपके खिले खिले नहीं बनेंगे। अगर चावल अच्छे से भीगा होगा तो काफी अच्छी खिली खिली हुई बिरयानी राइस बनती है। तो चलिए पानी में उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम ये इसमें डालते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पानी हमारा धीरे धीरे उबालने लग गया है। तो इसको अच्छा उबाल आने देंगे। और तो आप देख सकते हो यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे हमने भीगा हुआ राइस इसमें ट्रांसफर कर लेना है इस तरह से। तो फाइनली हमने ये भीगा हुआ चावल उसमें ट्रांसफर कर दिया है, और ये हमने पलटे की सहायता से थोड़ा जो ये पतीले है उसके नीचे की साइड में इस तरह से ये चला देना है, डब्बू या पलटा आपकी जो भी आपके पास जो भी है वो। तो आप देख सकते हो इससे क्या होता है कि राइस नीचे नहीं चिपकता। एक बार अगर ये पलटा इस तरह से लग जाता है ना नीचे, इस तरह से आप चावल को हिला लेते हो तो चावल के नीचे लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो अब इसको हम कवर करेंगे। हम इसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं ये। सो थोड़ा चेक कर लेते हैं हम इसको। तो अभी इसमें अच्छा उबाल आने लग गया, आप देख सकते हो, और चावल की लुकिंग भी अच्छी दिख रही है। थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से इसमें पलटा मार के इसको घुमा लेंगे और वापस थोड़ी देर के लिए इसमें हम ढक्कन लगा लेते हैं। चलिए आप देखते हैं। तो चावल का आप यहाँ पे देख सकते हो, चावल का जो पानी होता है वो पूरा सूख चुका है अच्छे से। अब इसके ऊपर से हम थोड़ी हरी धनिया डाल देते हैं बारीक कटी हुई, और ये पुदीने के कुछ पत्ते। अब इसमें यहाँ पे हम डालेंगे ये फूड कलर। सो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऑरेंज फूड कलर है, मैं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब थोड़ा सा लाल कलर। सो ये हो चुका है इस्तेमाल यहाँ पे। तो अब हम इसके ऊपर से हम देख सकते हो सिल्वर फॉइल ले लेंगे और इसको पतीले को कवर कर लेंगे। सो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे चार कोनों को इस तरह से, एंड यहाँ पे लगा देंगे हम ये ढक्कन इसको। और अब गैस को हम रखेंगे
एकदम मध्यम आंच पे, तो इस तरह से इसको रखें हम 2 से 3 मिनट, जिससे कि इसमें अच्छा दम लग जाए। सो इसको अब 2 से 3 मिनट स्लो मध्यम आंच में दम लगने देते हैं, और उसके बाद देखेंगे अब किस तरह से हमारा राइस बनकर तैयार होता है। सो फाइनली 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम गैस को कर लेते हैं बंद, एंड इसको अब हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे और बाद में देखेंगे कि हमारा बिरयानी राइस किस तरह से बनकर तैयार है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम ये ढक्कन हटा लेते हैं बिरयानी का, यहाँ से ये फॉइल हटा लेते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और आप जैसे देख रहे होंगे तो अभी राइस काफी ऊपर उठ चुका है, काफी खिला खिला लग रहा है। सो अब क्या करेंगे, हम इसको पलटी मारेंगे। तो चलिए मैं ये पकड़ लेता हूँ, यहाँ से ये देखिए इसमें हमने पलटी मार दिया, तो थोड़ा सा ये नीचे लगा है, तो हम एक साइड में कर देंगे। एंड देखो ना, देख जरा नहीं भी यहाँ पे इसको हम इस तरह से पलटे की मदद से इस तरह से फैला देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा बिरयानी राइस यम्मी साथ तैयार है। आप इसकी लुकिंग देख सकते हो, कितनी टेम्प्टिंग और लाजवाब दिख रही है, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।